नमस्कार दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले के लिए घोषित हुई टीम इंडिया की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा ने किए टीम में चार बड़े बदलाव। शिखर धवन होंगे ओपनर तो ऋषभ पंत सहित ये तीन खिलाड़ी हुए टीम से बाहर। जी हां दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत ने वेस्ट इंडीज को दूसरे वनडे मैच में भी 44 रनों से मात देकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। दूसरे वनडे मैच में जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा राज खोला है। रोहित शर्मा ने बताया कि तीसरे वनडे मैच में एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज उनके साथ ओपनिंग करने उतरेगा। दोस्तों बता दें कि शुक्रवार 11 फरवरी को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत छोटे स्कोर को भी बचाने में कामयाब रहा और 44 रनों से मुकाबला जीत लिया। भारत के 237 रनों के जवाब में वेस्ट इंडीज टीम 46 ओवर में 193 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए और वहीं शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटकाए, जबकि युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक हुड्डा ने 1-1 विकेट लिया। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि तीसरे वनडे मैच में एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज उनके साथ ओपनिंग करने उतरेगा। वो बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन है। रोहित शर्मा ने बताया कि तीसरे वनडे मैच में शिखर धवन उनके साथ ओपनिंग करने उतरेंगे। रोहित शर्मा के साथ दूसरे वनडे में ऋषभ पंत ओपनिंग करने के लिए उतरे थे, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए। ऋषभ पंत दूसरे वनडे में सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद रोहित शर्मा के इस फैसले पर सवाल भी उठे कि उन्होंने ऋषभ पंत से ओपनिंग क्यों करवाई। ऋषभ पंत को पारी का आगाज कराने पर उन्होंने कहा, मुझसे कहा गया था कि कुछ अलग करो, इसलिए ये अलग था। लोग ऋषभ को पारी शुरू करते हुए देखकर काफी खुश हुए, लेकिन हाँ, ये परमानेंट नहीं है। अगले मैच में हमारे पास शिखर धवन होंगे। दोस्तों, भारतीय टीम अब सीरीज के लिए आखिरी मुकाबले जीतकर ये सीरीज क्लीन स्वीप करना चाहेगी, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आखिरी वनडे मुकाबले में भी टीम इंडिया पूरी मजबूती के साथ उतरेगी, क्योंकि भारत ने ये सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है, इसलिए मैं आखिरी मुकाबले में कई खिलाड़ियों को मौका देने वाली है। इस मैच में ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर को आराम दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करें टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की, तो एक बार फिर हमें रोहित शर्मा और शिखर धवन टीम इंडिया के लिए शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। शिखर धवन के लिए बड़ा मौका रहने वाला है, क्योंकि यहां पर अगर वो एक शानदार पारी खेलते हैं तो टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की हो जाएगी। वहीं तीसरे नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे विराट कोहली, जिनका बल्ला बिल्कुल ही शांत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी मुकाबले में वो शानदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं चार नंबर पर हमें टीम के उप कप्तान केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने शानदार 49 रनों की पारी खेली थी। वहीं विकेट कीपिंग का जिम्मा भी उनके कंधों पर होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को इस मैच के लिए आराम दिया गया है। इसके बाद नंबर 5 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव। वहीं दोस्तों नंबर 6 पर हमें दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, तो वहीं नंबर 8 पर दीपक चहर भी खेलते दिखेंगे। दीपक को मोहम्मद सिराज की जगह टीम में मौका दिया गया है। वहीं स्पिनर के रूप में इस बार युजवेंद्र चहल का साथ कुलदीप यादव देंगे। कुलदीप को वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया है। काफी सालों बाद हमें कुलचा की जोड़ी भी देखने को मिलेगी। वहीं एक बार फिर तेज गेंदबाजी को लीड करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये प्लेइंग 11? क्या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।